अब रुख करते हैं खानपुर का, जहां किनवाही इलाका चोलिस्तान में नहरों की बंदिश पर आवाम ने हेड कासिम वाला पर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि सिंध पंजाब पानी के तनाजा में चोलिस्तान को निशाना मत बनाया जाए। चोलिस्तान के सैकड़ों अफराद की ज़मीनें बंजर, जबकि जानवर प्यास से मरने लगे और लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। तफसीलात के मुताबिक हेड कासिम वाला चोलिस्तान से निकलने वाली नहर 7R, 6R और 1L की बंदिश पर हज़ारों चोलिस्तानियों ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन से खिताब करते हुए चोलिस्तान के सियासी समाजी शख्सियात हाजी महर इब्राहिम, फिरोज महर, जाम सोजल, अब्दुल रजाक पढ़ार, सखी नंबरदार, अकबर मतवजा ने कहा कि सिंध पंजाब के तनाजा में हमेशा की तरह अब भी चोलिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ जिसकी साइकिल सेब के हकूक की अलमदार कहलवाती है, उनके होते हुए चोलिस्तान का हक मारा जा रहा है। वजीर खजाना मखदूम हाशम जवाब बख्श, जो कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी है, और वजीर आपाशी मोहसिन लगारी, इन सब के होते हुए चोलिस्तान में पानी ना मिलने से जानवर मर रहे हैं, लोग मकल मकानी करने पर मजबूर हैं। हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि चोलिस्तान में नहरों की बंदिश ख़त्म करके हमारे पानी का पूरा हक हमें दिया जाए, वरना हम अपने जानवरों समेत धरना देकर शाहराहें और रेलवे ट्रैक बंद कर देंगे। इस मौका पर सैकड़ों चकूक के नंबरदार गुलाम हुसैन, अल्लाह वधायू, सुलेमान मोहम्मद शरीफ, अब्दुल अजीज़, सलीमुल्ला, जीवन मलिक, नबी बख्श, बहादुर खान और दीगर भी मौजूद।